पॉइंट आ गया। बोले अक्षर साहब क्या लग रहा है, देखें पाकिस्तान तरीके साहब कह रही है कि सीरियस नहीं है हुकूमत और उसकी इतिहादी जमातें, आप इतिहादी जमात हैं क्यों सीरियस नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव मुजाकरात क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह मियाँ साहब ने भी कह दिया कि मिलकर सारे जो स्टेक होल्डर हैं बैठेंगे को इकॉनमी ठीक होगी, पोलिटिकल टेम्परेचर जो है नॉर्मल होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शाहिन साहब बात कर रहे थे, बड़े अच्छे हैं, बड़े भले संजीदा है, एक कानूनदान है और बड़े बातों को समझने वाले हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनने ऐसे ही है जैसे गुज़िश्ता हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के वज़ीरात की गुफ्तगू थी, चिड़चिड़े हो गए थे, ये भी मायूस हो गए हालात से, जलसा करेंगे जुलूस करेंगे लेकिन इनको पता है कुछ नहीं होगा, इसलिए चिड़चिड़े। नहीं तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने वकील हैं, बड़े मशहूर नामवर आदमी, शर्म नहीं आती, बेशर्म आदमी, चोर आदमी, ये लहजा खान साहब तो कर सकते हैं, वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ हैं, आप छोटे मियाँ सुभानअल्लाह, आप तो जरा अपना लहजा ठीक करें, इनको शर्म नहीं आती। आप हमसे ऐसी बात करोगे हम आपको बात करेंगे, आपको कुछ पता नहीं कि इस जुमले की मानी क्या होती है, आपको पता नहीं आप शहरी हैं, तो ये तीन चार सूबे में जो लोग हैं उनको आप ये आपका ये लहजा अच्छा नहीं लगता, इनको शर्म नहीं आती है, ये आपके यहाँ रवाज है बोलने का, कुछ इलाकों में ये गाली है, बड़ी बदतमीजी की बात है। खैर लेकिन मैं आप इनसे ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि वो नहीं बात करते, ये एक मैं बात बताता हूँ, मैं जो बातें करता हूँ अपने दिल की बात करता हूँ, तय करके कुछ नहीं आता, वो ये है कि अगर हुकूमत में बेसुराइयां पैदा हो जाए, हुकूमत अगर गैर मौसर होती चली जाए, हुकूमत अगर आवाम से तवज्जो ना दे मसाइल पर, तो अपोजिशन बड़ा किरदार अदा करती है तारीखी, और वो कौमें हो जाती है उनको अपोजिशन खड़ा कर देती है, भाई ये हुकूमत तो ना आयो की है, वो फलाने फार्म की है, उनकी है, वो क्या कठपुतली है, आप तो बड़े मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप ही अपना किरदार अदा करें, लगता है अपोजिशन, आप लगता है जिम्मेदार अपोजिशन, आप उनसे भी गए गुजरे हैं आप, लेकिन वो अपना जो किरदार अदा करने के लिए जब वो आते हैं कोई जलसा जुलूस करते हैं, कोई मामला पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में तो नहीं बोलते लेकिन पार्लियामेंट के बाहर कोशिश करते हैं तो इजाजत नहीं मिलती, गिरफ्तारियां होती हैं। मुझे आप बोलने दें, मेरी बात पूरी हो जाए, आपको जो चाहे कर ले। जी जी ये कहता हूँ, आप ये जिम्मेदारी पूरी करते, कहते हमसे बात नहीं होती, पर खुद ही कहते हम तो बात ही नहीं करना चाहते, भाई आप जब बात नहीं करोगे तो आपसे कौन करेगा, लोग आपके मुलाजिम है, दूसरे सियासी रहनुमा उस हैसियत के मालिक नहीं है जिसके आप है, ये क्या बात है आप करते, हम तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते। मुझे पता है आपके कायद ने क्या कहा, मैं पाकिस्तान की सियासी पार्टी से बात ही नहीं करना चाहता, उनकी आज भी आंखों गली में लगी हुई है, जब अपोजिशन पार्टियों को मानेगी आपको उसमें बात करेगी तो मसाइल हल्के होंगे, आप तो आज भी उस उंगली को याद कर रहे थे जिसमें बैठे हुए थे, आज भी आंख आपकी आपकी उस उंगली पर, अब वो उंगली नहीं रही, अब आप हकायक को तस्लीम करें, आपको इन सियासी पार्टियों से बात करनी होगी, अगर मुल्क को भंवर से निकालना है तो, अगर नहीं निकालना है खेलना है टिक टिक करके खेलते रहे। चले चले अब जरदारी साहब गए मौलाना के पास, क्या मतलब बातचीत करने गए, हम देख रहे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, जरदारी साहब भी जा रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गई, इतनी अहमियत कैसे इख्तियार करके मौलाना, क्या मामला चल रहे हैं पसे पर्दा? देखिए मौलाना साहब की पाकिस्तान में हमेशा अहमियत रही है, पार्लियामेंटी हवाले से भी और अवामी तहरीक के हवाले से भी मौलाना साहब की अहमियत रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता, मेरे लीडर जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान एक प्यार भरा रिश्ता है, बिरादराना रिश्ता है, वो नाराज भी होते रहे, वो हमारे नकाब भी रहे, हमारे अपोजिशन में भी गए, लेकिन फिर भी हम सियासतदान है, हम वो लहजा अख्तियार नहीं कर सकते जो गैर सियासी लोगों का तरीके का होता है, हम चले 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 ये बोला ना तो हो गए, पीडीएम में आपके साथ महमूद अचकजई साहब भी रहे, आजकल वो इनके साथ है, इनकी सदारत कर रहे हैं, पहले वो आपके साथ थे, उनसे भी कोई मुलाकात की कोई है तो? अचकजई साहब एक इंतहाई बुलंद किरदार की शख्सियत है, मैं उन पे बात करता ही नहीं, वो बड़े अच्छे आदमी है, वो सही माना में सियासी है और इसीलिए किरदार अदा कर रहे हैं, वरना उनको पीटीआई का पता है, पीटीआई की वो कुछ की तरफ से नहीं बोल सकते, वो चाहते हैं पाकिस्तान बहरान से निकले, इसीलिए बहरान से निकले, लेकिन देखा 16 माह की हुकूमत में आपके साथ थे, अभी वो इस तरफ चले गए, क्या ऐसा हो गया कि अब आपके साथ नहीं है? खान साहब इस मुल्क को बहरान से निकालना ही नहीं चाहते,
वो चाहते हैं अफरा तफरी रहे ताकि उनकी अहमियत नजर आती रहे और कुछ नहीं। वरना आज भी खान साहब संजीदा हो जाए तो उनको ताकत है, उनके पास अवामी ताकत है, वो मसाइल हल कर सकते हैं, अपनी शरायत रखें, सियासी बातचीत करें, उसमें उनकी को गुलामी कबूल करनी है हुकूमत की, आप कहें ना इन इन नुकात पे बातों की, लेकिन आप ये नहीं कहते अजी हमारा मैंडेट चुराया, आप तुमसे गल करेगी नहीं, इनसे नहीं गल करोगे तो किससे करोगे, करनी तो खर्चा भी नहीं से पड़ेगी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया।